हम में से अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी कच्चा अंडा जरूर खाया है। जी हाँ, मैंने भी खाया जब मैं छोटा हुआ करता था, आज से 20 साल पहले, बट अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। और ये वीडियो देखने के बाद आप भी कभी भी कच्चा अंडा नहीं खाएंगे। ये महाशय 40 अंडे एक साथ निगल रहे हैं क्योंकि इन्होंने कुछ प्राइज के लिए या फिर कुछ कॉम्पिटिशन की वजह से, बट ऐसा करना बहुत ही गलत है। ये अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे हैं। अगर आप पानी भी ज़्यादा पी लेते हैं एक साथ, वो भी आपके मस्तिष्क में जाके जमा हो जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट करता है, बट ये तो अंडे पी रहे हैं एक साथ इतने सारे, तो इसको लेने के बाद इसमें जो बैक्टीरिया उनके डाइजेशन में जाएगा उससे कितने सारे नुकसान होंगे ये शायद नहीं जानते होंगे, बट आप ऐसा कभी भी घर पे करने की कोशिश ना करें। ये देखिए, ये है बैक्टीरिया जिसको कहते हैं सालमोनेला। ये सालमोनेला बैक्टीरिया है। अब मैं आपको इसको रियल पिक दिखाऊंगा, ये कुछ एनिमेटेड थी, अब आप देख सकते हैं अपने रियल पिक में है ये सालमोनेला बैक्टीरिया जो एग से लिया गया है। यही बैक्टीरिया होता है रॉ एग के अंदर, ये देख सकते हैं आप इजीली। तो ये एग अगर आप जब रॉ एग खाते हैं तो ये बैक्टीरिया आपके डाइजेशन में जाता है, डाइजेशन को बुरी तरह से खराब कर देता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डायरिया हो जाती है, उल्टियाँ होती है, दस्त होती है, फूड पॉइजनिंग होती है। आप बाहर का खाना जो खाते हैं जो उसमें जो फूड पॉइजनिंग होती है वो इन्हीं कारणों की वजह से होती है, क्योंकि ऐसे बैक्टीरियाज आपके डाइजेशन में चले जाते हैं आपके खाने के थ्रू। तो फिर आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा। जो गलत फहमियाँ पाल रखी हैं जो पुराने लोग करते थे, मे बी कुछ लोगों का जेनेटिक्स अच्छा होगा, उन लोगों का इम्यून सिस्टम अच्छा होगा कि वो उन्हें आदत लग चुकी है, वो यूज्ड टू हो चुके हैं, जिसकी वजह से कच्चा अंडा निकलने की वजह से वो बीमार नहीं पड़ते हैं। बट पीपल्स यू बिलीव, अगर ये बैक्टीरियाज आप निकलेंगे तो फिर आपको बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं, आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हो सकता है बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो। तो इन सब से बचने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आप जब भी अंडे को बॉईल करेंगे उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें और उसे मीडियम आंच पे उसे बॉईल करें, कम से कम 5 से 10 मिनट तक ज़रूर पकाएं अंडे को, उसके बाद ही आप उसे खाएं। अगर आप पूरी तरह से कुक नहीं करेंगे तो वो बैक्टीरिया पूरी तरह से फिनिश नहीं होंगे, तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। आप दूसरों की बातों में मत आएं, आपकी लाइफ आपके लिए प्रीशियस है, तो आप इसे अच्छी तरह से एंजॉय करें। गाइस, आप लोग एक बात का स्पेशली ध्यान रखें, जो कच्चा अंडा होता है उसके अंदर 6 ग्राम प्रोटीन होता है, और जो पका हुआ अंडा होता है उसमें भी 6 ग्राम प्रोटीन होता है, उसमें फैट भी सेम होता है। तो जो भी न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिल रही है वो पके हुए में ज़्यादा मिल रही है, उसमें ज़्यादा आपको विटामिन्स मिल रहे हैं, जो विटामिन्स रॉ एग के अंदर आपको नहीं मिलते वो और ज़्यादा विटामिन आपको मिलते हैं अंडे को पकाने के बाद। तो फिर आप दूसरों की बातों में आके आप कच्चा अंडा ना खाएं, या आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ, महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार आप जरूर एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट आप इसे अपने रेगुलर लाइफ में इसे यूज नहीं कर सकते। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको क्विक नॉलेज दी है एग्स के बारे में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक तो करना ही है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।